वी द पीपल, हम भारत के लोग जो सब इकट्ठे हो रहे हैं, उसका क्या मकसद है? हम किस लिए हो रहे हैं? हमें क्या लाभ चाहिए आपस में जो हम इकट्ठे हो रहे हैं? ये वीडियो आपको बताएगा। दरअसल भारत में जब बाबा साहब ने ये कहा कि जो संविधान है उसके तहत में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के लिए संख्या बल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि आपकी सत्ता, आपका जो पैसा टैक्स के रूप में वहाँ जाता है, या जो नौकरियाँ आपको मिलनी हैं, या जो सरकार के लाभ आपको मिलने हैं, वो इस आधार पे मिलेंगे कि आपका संख्या कितना है, संख्या का बल कितना है, संख्या की ताकत कितनी है। तो बाबा साहब ने अपनी एक बात में कहा, संगठित रहो। इस संगठित रहने के सिद्धांत की बात को बहुत सारे लोगों ने समझा, जाना, मगर आधा समझा आधा जाना। उन्होंने लोगों से कहा कि आप संगठित हो जाइए, संगठित हो जाइए, संगठित हो जाइए। लोगों को संगठित करने लगे और लोगों को संगठित करते करते ये भूल गए कि उन्होंने लोगों को असंगठित कर दिया। यानी कि जहां उनको एक अम्ब्रेला, एक छाता, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक संघ के नीचे उनको इकट्ठा करना था, उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे संगठन बना लिए, मोहल्ले के, गली के, गांव के, तहसील के, जिले के या कई जिले के, और दावा करने लगे कि हम संगठित हो गए। दरअसल ये सारे टुकड़े आज के समय 10,000 के करीब बताए जाते हैं, जो धार्मिक लोग हैं उनके, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके, जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनके, जो राजनीतिक दल हैं उनके, या जो लड़कों ने, यूथ ने, युवाओं ने बना रखे हैं आज के समय, दल बल युवा, पैंथर पार्टी, समता दल बल, ये सारे मिला के सामाजिक संगठन सभी तरह के। ये मैं समण संगठनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने दो तरह के लोग बताए थे भारत में, एक समण और एक बमण। तो मैं यहाँ समण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि समण के पास भारत में संख्या बल तो है, मगर उनके पास में कार, कोठी, बंगला, नौकरी, पैसा, चाकर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें उनके पास में नहीं हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़े बड़े ओहदे, और देश विदेश में वो बेचारे जा भी नहीं पाते घूमने के लिए। जहाँ भी होता है उनका लेबर का ही नंबर आता है। तो वो भी भारत की मुख्य धारा में आए, उनके पास भी कोठियाँ हों, बंगले हों, कार हों, घर हों, बैंक बैलेंस हो, बढ़िया उनके बच्चे पढ़ें लिखें, बढ़िया विदेशों में नौकरी करें, बढ़िया सुविधाएं उनको मिलें, बढ़िया हॉस्पिटल उनको मिलें, बढ़िया कॉलेज उनको मिलें, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना उनको मिले, बढ़िया भाषा वो बोलें। इसलिए संगठित होने का जो मंत्र है, जो बात थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई, और भगवान बुद्ध ने तो बाकायदा संगठित होने के नियम दिए हुए हैं, जिनको विनय पिटक बोलते हैं, संघ के नियम बोलते हैं। सारी दुनिया वहीं से सीखती है। तो यहाँ जब ये देखा गया कि बाबा साहब के संगठित होने के नारे के तहत जो 10,000 संगठन और जो नेता तैयार हो गए हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है कि उन्हें आपस में भी इकट्ठा होना चाहिए, और सारा नुकसान उन्होंने अपने हाथ से अपनी आंखों के सामने करा दिया। यानी संविधान में जितनी भी चीज़ें बाबा साहब लेके आए थे, वो सारी एक एक करके चली गई। जो फ्री एजुकेशन मिलती थी वो चली गई, जो सरकारी नौकरियाँ मिलती थी वो सरकारी डिपार्टमेंट चले गए, जो सुरक्षा मिलती थी वो सुरक्षा चली गई, और जो पैसा आता था अधिकार क्षेत्र में वो पैसा चला गया। तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, क्योंकि ना इंडस्ट्री है पास में, ना खेती है, ना ही पैसा है। एक ले दे के छोटी मोटी नौकरी होती थी, वो भी जा चुकी है। तो ये देखा गया कि जितने ज़्यादा संगठन बने और जितने ज़्यादा नेता बने, वो किसी काम के है नहीं। वो संविधान बचाने के लिए, अधिकार बचाने की बजाय, और उन्होंने मोहर लगा दी इस बात पर कि संविधान को खराब किया जाए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर अधिकार सारे खत्म कर देंगे तो हम इकट्ठे नहीं होंगे, जाते हैं अधिकार तो चले जाएं। भविष्य में, इतिहास में, जब कभी इन 10,000 नेताओं का चिट्ठा या लोग याद करेंगे, तो इनको गाली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मगर इससे हमें क्या, उनको लोग गाली भी देंगे मगर नुकसान तो हमारा हो ही गया। हमें अपना वेलफेयर, अपना लाभ कैसे करना चाहिए? पहले बहुत दिनों तक बहुत सारे लोग इस बात के लिए लगे रहे, नेताओं की खुशामद करने के लिए, दरामद करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए,
आप एक हो जाओ भाई, आप एक हो जाओ भाई, आप एक हो जाओ भाई। आपने समाज का काम अपनी इच्छा से चुना है, आपने सामाजिक काम अपने हिसाब से चुना है, किसी ने आपको कहा नहीं है कि आप सामाजिक काम करें। आप इस फील्ड में खुद आए तो आपको हमें लाभ देना चाहिए था, आपने इस बात का हमें आश्वासन दिया, हमने आपको पैसा दिया, हम आपका झंडा बंडा दल लेके खड़े रहे, हमने आपकी बात की, आपको बहुत ऊपर चढ़ाया। मगर आप में इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि आप अगर सारे इकट्ठे हो जाते तो ये सारा जो मेहनत हमने की, हमने आपको दी, उससे हमारे अधिकार बच जाते और हमारे बच्चे इतने परेशान ना होते जो आज के समय बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत खुशामद करने के बाद जब ये इकट्ठे नहीं हुए तो इनका ना इकट्ठे होने का जो एक कारण समझ में आया वो ये था कि इनको हमारी चिंता नहीं है, इनको इस बात की चिंता है कि अगर इकट्ठे हो गए तो मेरा क्या होगा, मतलब मुझे प्रधानी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अध्यक्ष रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं प्रधान रहूंगा नहीं रहूंगा, या जो चंदा आता है वो चंदा मुझे कितना मिलेगा, मेरा उससे कितना धंधा चलेगा। बहुत सारी बातें और भी हैं। तो हमने, जो हमारे जैसे परेशान लोग हैं, उन्होंने ये सोचा कि भाई सारी एनर्जी इनको इकट्ठा करने के लिए ना लगाओ, अधिकतर एनर्जी अपने आप को इकट्ठा करने के लिए लगाओ, जैसा बाबा साहब ने कहा था कि संगठित हो जाओ। तो संगठित हम बिना नेता के भी हो सकते हैं। तो ऐसा विचार आने के बाद में संविधान को ही हमने सबसे ऊपर रखते हुए संविधान के सारे नियम लिए कि हम जब इकट्ठे होंगे तो संविधान के नियम के तहत होंगे, और हम किसी व्यक्ति को, व्यक्तिवाद को नेता नहीं मानेंगे। संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने कहा है कि जो चुने हुए लोग हैं, जो इकट्ठे हुए लोग हैं, जो गण है, जो समूह है, वही अपने आप को गवर्न करेगा, वही आपका लीडर होगा। कोई व्यक्ति अगर वहां चुना भी जाएगा तो वो उसके अधीन रहेगा, वो उसके साथ काम करेगा, उसका अपना कुछ नहीं चलेगा। और फिर हमने जो दुनिया में सबसे ज्यादा नियम होते हैं संघ के बनाने के, भगवान बुद्ध के, विनय पिटक के, उनको देखा, उनको जाना, उनको पढ़ा, तो पाया कि ये सबसे कारगर नियम हैं। इस नियम को अगर हम अपने आप को इकट्ठा करने में लगाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमको इकट्ठा होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जब उस जमाने में एक बुद्ध अकेले ने 50,000 ट्रेंड टीचर, भिक्कू जिनको बोलते हैं, प्रचारक जिनको बोलते हैं, वो इकट्ठे कर दिए पैदल घूम घूम कर, तो अब तो आपके पास टेलीफोन है, मीटिंग का साधन है, इंटरनेट है, कार है, आपके पास स्कूटर है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, साइकिल है, रिक्शा है, तो आसान काम हो जाता है। और ये आसान काम तब भी हो जाता है जब लाखों लोगों की इच्छा है कि हमको इकट्ठा होना चाहिए। तो यही सोचकर वी द पीपल करके एक कुछ साधारण से लोगों ने इसको स्टार्ट किया, मगर पता चला कि बहुत सारे साधारण लोग हैं जो परेशान हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और रिजल्ट नहीं आया, उनके बच्चे परेशान हैं और सामने मौत स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो संविधान के हक नहीं ले सकते, मर जाएंगे। इसलिए वी द पीपल में कोई व्यक्तिगत लीडरशिप नहीं है, सामूहिक बात चलती है, सामूहिक निर्णय चलता है, रोटेशन होता रहता है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हर तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है। और कमाल की बात है कि लोगों की इच्छा इतनी ज़्यादा है कि लगातार 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 जुड़ते जा रहे हैं। अगर किसी को जरा भी ये संशय होता है कि कोई व्यक्ति खराब है या कुछ गलत हुआ है, तो उसको अधिकार है कि वो कहीं से भी, किसी भी तरह का आदमी हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, किसी भी तरह की महिला हो, वो वहां से चिल्ला के कह सकती है ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक कर लेते हैं। क्योंकि सारे नौसिखियां हैं, कोई ऐसा एक्सपर्ट तो है नहीं, काम सबने किया है, तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस है। और धीरे धीरे ये बात बनती जा रही है और वी द पीपल, बड़े लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगर सारे इकट्ठे हो गए तो अपने अधिकारों को बचा लेंगे, ठीक ऐसे जैसे बिना नेता के 2 अप्रैल 2018 को सिर्फ सड़क पर आए थे और एक अधिकार को बचा लिया था। इसमें शक्ति होती है, संघ में शक्ति होती है, दुनिया जानती है। इसलिए आप इस कंसेप्ट को समझें, मीटिंग्स को ज्वाइन करें, अपने आसपास इसकी बात करें, और इसके अलावा अगर कोई और आपको रास्ता लगता है कि वो बेहतरीन है तो वो बताएं। अगर वो बेहतरीन रास्ता होगा तो उसको वी द पीपल तुरंत एडॉप्ट कर लेगा, तुरंत मान लेगा। और अगर इससे बेहतर रास्ता नहीं है, तो जब तक कोई बेहतर रास्ता आपके आइडिया में या विचार में नहीं आता या नहीं डेवलप होता, तब तक इस सबसे बेहतर आइडिया पे आप काम कीजिए और जुड़िए आपस में। पहला काम है जुड़ना है और जोड़ना है। कोई प्लान नहीं है, कोई नीति नहीं है, सिर्फ जुड़ना है। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, जो जो चीज़ की आवश्यकता होती जाएगी, लोग अपने आप ही खुद बना लेंगे, बनती चली जाएगी। ठीक ऐसे जैसे भगवान बुद्ध अकेले चले थे, फिर एक व्यक्ति मिला, फिर दो व्यक्ति मिले, फिर 5 मिले, फिर 60 मिले, और वो इकट्ठे होते होते 50,000 हो गए। भगवान बुद्ध ने कोई भी
चीज़ माइंड में पहले नहीं बनाई कि मैं ऐसा करूँगा, काम करते गए चीज़ें ठीक होती गईं। ऐसे ही बाबा साहब ने कोई प्लान नहीं बनाया कि वो क्या क्या करेंगे, वो काम करते गए और चीज़ें अपने आप बनती गईं। वही दोनों किताबें आज भी हैं, उन्हीं पर हम चल रहे हैं, उन्हीं को आप देखें। धन्यवाद।